अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कुकिंग की दुनिया। व्यूअर्स, आजकल गर्मियों का सीज़न है, आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल कैरी की खट्टी मीठी सिरके वाली चटनी। ये हमारे यहाँ बरसा बरस से बनी चली आ रही है। मैं शुरू बचपन से लेकर अब तक मैं ये चटनी खा रही हूँ। हमारे यहाँ बहुत शौक से चटनी गर्मियों में खाई जाती है, ये बहुत हमारे जिस्म के लिए, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, यहाँ पर मैंने खजूरें ले ली क्योंकि मेरे पास छुआरे नहीं थे। 4 से 5 छुआरे आप पानी में भिगो के उसको लंबा करके काट लें। 1 पाव चीनी है और ये सिरका लिया हमने, आधी प्याली सिरका लेंगे हम। 2 टेबलस्पून तेल जाएगा, आधी प्याली पानी जाएगा। 1 खाने का चम्मच ये मेरे पास किशमिश है, 1/2 चाय का चम्मच कलौंजी है और 8 साबुत मिर्चें हैं लाल वाली, और ये 8 से 9 लहसुन है देसी लहसुन, 1/2 टीस्पून 1/2 चाय का चम्मच काला नमक है और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है। कैरियों को हम सबसे पहले छील के अच्छी तरह काट लेंगे। पहले मैंने इसको अच्छी तरह धो लिया था, उसके बाद मैंने खुश करके फिर इनको आपको बताया। व्यूअर्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो फिर आइए शुरू करते हैं रेसिपी। खजूरें भी डाल दिए और इसमें मैंने किशमिश भी डाल दी। किशमिश आप अपनी मर्जी से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें ये तार सा पैदा हो रहा है और कैरी भी हमारी गल गई है। मुझे कैरी इसमें खड़ी खड़ी पसंद है, मैं इसको बिल्कुल घोटूंगी नहीं। ये मैं इसमें, अब ये देखिए, 1/2 कप मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ, वाइट सिरका है, विनेगर। अब मैं इसमें डाल के 5 मिनट पकाऊंगी। आप चाहें तो इसमें कलरफुल बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा जर्दे का कलर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैं इसको 5 मिनट और पकाऊंगी, फिर चूल्हे से उतार लूँगी। व्यूअर्स, मैं आपको बताना भूल गई, एक बहुत नाजुक चटनी होती है, तो आपने इसमें गीला चमचा बिल्कुल भी नहीं डालना है। आपने इसको जब भी इस्तेमाल करना है आपने इसको बिल्कुल खुश्क और ड्राई सूखा चमचा डालना है। अगर आप गीला चमचा डालेंगे तो आपकी चटनी ख़राब हो सकती है। तैयार है, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ना तो ये ज़्यादा ठीक है ना थिन है, मतलब मेरा ना ये गाढ़ी है ना पतली है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको बर्तन में करते हैं। देखिए, मैं इसको बिल्कुल, मैं ये मैंने बिल्कुल खुश्क और ड्राई, बिल्कुल ये खुश्क मेरा बाउल है, मैंने इसमें निकाल ली हूँ। आपने भी बिल्कुल सूखा बर्तन लेना है, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्यूअर्स, कितनी अच्छी हमारी कैरी की सिरके वाली खट्टी मीठी चटनी तैयार है। अगर आपका किसी चीज़ से खाने को दिल नहीं चाह रहा तो आप इसको रोटी से खाएं, ब्रेड से खाएं, बहुत टेस्टफुल रेसिपी है ये, बहुत अच्छी वो है डिश है ये। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। व्यूअर्स, चटनी तैयार है, मुझे उम्मीद है आपको चटनी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरी रेसिपी से इसको तुर्की चटनी को बनाएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट देना नहीं भूलें। चलती हूँ इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।